कालीन नगरी भदोही में जल संचयन की दिशा में ठोस कदम नहीं उठने से आने वाले समय में जल संकट उत्पन्न हो सकता है, जहां खास तौर से मरम्मत के अभाव में तमाम पुराने कुओं का वजूद मिटता जा रहा है, तो वहीं तालाबों पर लगातार हो रहे अतिक्रमण से जल संचयन को भारी नुकसान हो रहा है। भदोही में जल संचयन की दिशा में शासन के निर्देश के बावजूद अभी तक ठोस कदम नहीं उठाए जा सके हैं। कुछ समय पहले लगातार जल स्तर नीचे गिरने की वजह से भदोही डार्क जोन में था। भदोही जिले की दो छोटी नदियों मोरवा और वरुणा की खुदाई तो करवाई गई थी, लेकिन इस कार्य में भी उदासीनता बरती गई, जिससे तालाबों पर भी लगातार अतिक्रमण हो रहा है। एक जमाने में जल संचयन के सबसे बड़े स्रोत कुओं पर अतिक्रमण से लगातार मिटते वजूद से भी जल संचयन को झटका लगा। जल संचयन के सबसे बड़े माध्यम कुओं तालाब और गड्ढे हुआ करते थे। आज जब से नई टेक्नोलॉजी आ गई है, उसमें यह अभाव मिला है, आज जिस ढंग से कुएं का दोहन हो रहा, कुएं पाटे जा रहे हैं, यह समाज के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि जो कुएं होते थे, कुआं खुला होता था, जब बरसात का पानी हो जाता तो कुएं जब भर जाते थे, जब उससे अच्छा माध्यम जल संचयन कुछ नहीं था। जल संचयन के सबसे बड़े माध्यम कुओं का जल बहुत ही दयनीय दशा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे ये पीछे ये प्राचीन कुआं है, जो एक समय ठंडे जल का बहुत ही गहरा स्रोत था, यहाँ के हजारों लोगों को राहत पहुँचाता था। लेकिन आज आप इस कुएं की दशा देख सकते हैं, सरकार एक तरफ जल संचयन की दिशा में कदम उठा रही है और दूसरी तरफ इस तरह के कुएं बदहाल हैं।